कि जुडिशियल कमीशन इस पे कोई बनना चाहिए, कोई तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, तो आपने एक तरह से हैरत का इजहार किया जिसमें आपकी एक तंजिया हंसी भी शामिल थी। क्या वजह है, क्या क्या इस पे नहीं बन सकता कोई कमीशन? या नहीं गरीदा, ज़रूर बनाइए कमीशन, मगर मैं आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहती हूँ। APS के ऊपर भी एक कमीशन बना, उसके जो चंद सफ़ात थे वो तो शाया ही नहीं हुए, हमारे पास आए ही नहीं, उसमें से ज़्यादातर जो सफ़ात थे वो निकाल लिए गए। फिर आपको याद है उसामा बिन लादेन के ऊपर भी जो हमला हुआ था उसके ऊपर भी कमीशन बना था, वो भी मंजरे आम पे नहीं आया। फिर कमीशन जो है ये अरशद शरीफ की जो वालदा है उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि जी एक आला जज साहिबान के ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए। अब देखते हैं कि वो क्या कमीशन था, हामिद मीर का भी कमीशन, हामिद मीर के कमीशन से तो कुछ भी नहीं निकला। तो देखिए आप कितने कमीशन यहाँ पे बनाएंगे जब आपकी साकी खराब है और यहाँ पे एक रवायत चली हुई है कि आपने सियासतदानों को अटैक करना है, तो फिर आप जितने मर्जी कमीशन बनाते रहे, आपने यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को सेंटा बाबरा बना दिया। अब जो ये इसने स्टेटमेंट दी है ये कोई मानने वाली मुलजिम ने कोई मानने वाली स्टेटमेंट आप समझती हैं कि ये तस्लीम करने वाली नहीं? नहीं मैं तो इसको आपको अपील नहीं करती। हमें भी अब इस मुल्क के अंदर सहाफत करते हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं, इतने पागल तो हम भी नहीं है कि हम इसको तस्लीम कर ले। मैं तो समझती हूँ कि ये बेचारा गरीब आदमी, पता नहीं किसने इसको पैसे दिए हैं, इसकी फैमिली को पैसे दिए हैं, मैं इसको तस्लीम नहीं करती। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैसे एक आम आदमी जो है वो पिस्तल लेके पहुँच गया, जो रोज़ अपने घर से निकलता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उसने कैसे पिस्तल लेके वो इमरान खान साहब के पास चला गया। मैं इस पूरी कहानी को जो इन्होंने एक राम कहानी सुनाई है हमें टीवी पे, तो हम पाकिस्तान के लोग मेरा ख्याल है इतने पागल नहीं हैं और मैं नहीं इसको तस्लीम करती। दूसरी बात यह है कि शरीन मजारी साहिबा ने कहा कि जी राणा सनाउल्ला को गिरफ्तार करो, तो ये तो पंजाब की टेरिटरी है, वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं उमर चीमा वो तो खुद, मैंने किसी ने मुझे बताया, वो तो ट्रक के ऊपर थे, कंटेनर के ऊपर थे। तो वहाँ यहाँ पर तो इमरान खान साहब की कोलिशन गवर्नमेंट है, तो फिर जो पुलिस की जिम्मेदारी है उनके हिफाजत करने, वो तो फिर इनकी अपनी कोलिशन गवर्नमेंट की है।